नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। लावारिस बक्से में जेवरात समझ रहे थे ग्रामीण, खोला गया तो होश उड़ गए, निकला अज्ञात युवक का कंकाल। बड़ी खबर जनपद फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में रविवार को थाना फरिया क्षेत्र में एक लावारिस बक्सा सड़क किनारे पड़ा हुआ ग्रामीणों को दिखा। ग्रामीण बक्से में सोने चांदी के जेवरात होने की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही बक्सा खोला गया तो उन सभी के होश उड़ गए। बक्से के अंदर एक अज्ञात युवक का कंकाल निकला, जो पहचान में नहीं आ रहा था। फिरोजाबाद के हाथवंत मुस्तफाबाद रोड पर नहर किनारे रविवार को एक बक्सा पड़ा होने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। ग्रामीण बक्से में सोने चांदी के जेवरात होने का अंदाजा लगा रहे थे, तभी ग्रामीणों ने लावारिस बक्से के पड़े होने की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बक्से को खोला तो नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। बक्से में एक नर कंकाल पड़ा हुआ था। सीओ श्यामजीत ने बताया कि रविवार को उनके पास ग्राम प्रधान मड़ाना का फोन आया कि एक लावारिस बक्सा नहर किनारे पड़ा हुआ है। बक्से को खोलकर देखा गया तो उसमें नर कंकाल था। शव बुरी तरह गल चुका था, एक नीले रंग का लोवर वहीं कंबल बरामद हुआ है। फील्ड यूनिट ने सैंपल लिया है। कंकाल के सिर के बाल छोटे हैं, इसीलिए प्रतीत हो रहा है कि किसी युवक का शव है। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद कंकाल को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ ने बताया कि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। खास रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता रवि वशिष्ठ के साथ। सर, ये थाना फरिया क्षेत्र में अज्ञात शव प्राप्त हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज सुबह करीब 11:15 बजे ग्राम प्रधान मढ़ा ने थाना फरिया पर यह सूचना दी कि हाथवंग मुस्तफाबाद रोड पर सड़क के 100 मीटर अंदर नहर पटरी के पास एक बक्सा पड़ा हुआ है, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। मौके पर जाकर देखा गया तो उस बक्से में एक कंकाल के रूप में एक व्यक्ति का शव पड़ा था, जिस पर एक नीले कलर का लोअर और एक कंबल प्राप्त हुआ है। उस शव के बाल छोटे छोटे हैं, जिससे यह किसी पुरुष व्यक्ति का प्रतीत होता है। मौके पर फील्ड यूनिट पहुंची थी, जहां से उन्होंने सैंपल लिए हैं और सैंपल को भिजवाया गया एनालिसिस के लिए। शव को मोर्चरी भिजवा दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए, उसकी जल्द शिनाख्त करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी।